हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फजूल, जिद है मेरी जुर्म। जी अपना नाम और आप कहाँ से हैं? तो मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर से। अर्जुन जी आप हमें बताइए, अभी हमारी म्यूजिक की क्लास चल रही है। यस सर। और आपको ब्लैक पेस्टेट, तो आज आपने ब्लैक पेस्टेट जो है चौथे दिन क्लास होगी? बिल्कुल सर। तीसरे दिन की चौथे दिन क्लास है? सर आज चौथे दिन है। चौथे दिन की क्लास है? यस सर। तो डेली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है? बिल्कुल सर। तो आज आपने ब्लैक पेस्टेट पर काम किया? यस सर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ब्लैक पेस्टेट पर काम किया। कितने बॉल या प्रिंट उखड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, हलवा ही हो गया सर, अब आसान हो गया। इतना पहले तो हम डरते थे देख के कि वेस्ट लगी हुई है, तो हाथ नहीं लगाते थे। तो अब तो मतलब एक एक मिनट में उतार के सब उतार देंगे ब्लैक। तो आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं? बिल्कुल सर। एमएमसी क्लास कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है सर। अगर एमएमसी की चेंज प्रोसेस हो या फिर प्रोग्रामिंग की प्रोसेस हो, हेल्थ 90% कंज्यूम हो, तो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ कर पाएंगे भी आप? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। नाम कहाँ से है और आप? सर मैं प्रशांत पवार, पुणे महाराष्ट्र। प्रशांत जी आज बताइए, एमएमसी क्लास चल रही है हमारी, तो ब्लैक पेस्टेड कराया जा रहा है, प्रैक्टिकल ऐसा तो नहीं है केवल एक दिन बोल दिया जाए कि बस एक दिन कर लो हो गया बाकी घर पे जाके करना? नहीं सर, अभी चौथा दिन है हमारा, तो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से हमें, पहले इसका डर लगता था तो अभी अच्छे से सिखाया तो कुछ डर भी निकल गया। अभी आपकी एमसी के साथ साथ ब्लैक पेस्टेड की भी क्लास चल रही है? यस सर। तो अभी आपने निकाला काम किया? ये मैंने अभी निकाला है। ऐसा फर्स्ट दिन ही किया हो और एक बोर्ड पे ही किया हो, बोल दिया गया कि एक बोर्ड पे करो बाकी बाद में करना? नहीं, ये अभी चौथा बोर्ड है हमारा। हम तो कहते हैं जितने बोर्ड हो उतने बोर्ड पे काम करिए। जी सर। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहो उतना मर्जी कर सकते हो, जितना चाहो उतने बोर्ड पे काम कर सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने किया हुआ है और Just let me go. Please let me go. You lied to love so hard and then you threw it away. You lied to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. You joke about my flaws and weaknesses.
Just let me go. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. बिहार से मुझे तो चलो बताओ सोहेल आज क्या कराया जा रहा है सर ब्लैक फिस्टेड को निकल पहले आपको एमएमसी की क्लास देगी आज हमारी सुबह से अगर एक एमएमसी डैमेज हो तो कैसे उसे हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं तो ये आपकी क्लास थी आज और उसके साथ साथ ब्लैक फिस्टेड क्योंकि अगर ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें हैंड स्किल की जरूरत पड़ेगी हैंड स्किल की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्लैक फिस्टेड हो वाइट फिस्टेड हो या नॉर्मल फिस्टेड हो कोई सा भी पेस्टेड ऐसी हो तो उसे आप इजीली निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं वो भी देखिए सर तो ये डेली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है आपसे हाँ सर डेली प्रैक्टिकल कराया तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा से क्लीन किया हुआ है एक भी बॉल भी मिस नहीं है बॉल डैमेज भी नहीं हुआ है स्क्रेचेस भी नहीं है तो कैसा लग रहा है ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है सर ब्लैक पेस्ट में हाथ लगा काम इससे पहले करते थे ना सर जिंदगी में कभी नहीं किए हैं शुरू किए हैं सर यही से फर्स्ट टाइम हाँ सर तो अभी कैसा लग रहा है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जरूर कर पाएंगे सर इसे अच्छा तो डेली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि बस एक दो फोन में कर लिया बोले बाकी जाके घर में करना है सर? ना सर ना नहीं हम लोग को पहले प्रैक्टिकल की थ्योरी दिया था उसको प्रैक्टिकल करते सर डेली प्रैक्टिकल करा रहे हैं क्योंकि डेली हैंड स्किल नहीं सिखाएंगे तो काम नहीं बनेगा कैसे भी ओवरऑल क्लास बहुत बढ़िया रहा सर चलिए ठीक है चलिए अपना नाम और कहाँ से बताइए सर मेरा नाम बासुदेव मंडल मैं उड़ीसा से उड़ीसा से हैं तो आप हमें ये बताइए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है सर ब्लैक पेस्टेड आइस के पहले आपकी एमएमसी क्लास चली एमएमसी में आपको ब्लैक पेस्टेड भी सिखाया जा रहा है तो अगर मैं बात करूँ कैसा पढ़ाया जा रहा है एमएमसी क्लास सर बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है हर एक चीज़ समझ में आ रही है प्रोग्रामिंग ऐसा तो नहीं जो लैंग्वेज है वो टफ लैंग्वेज हो या फिर ऐसा कुछ जो सर पढ़ा रहे हो जो समझ में ना आ रहा हो सब कुछ समझ में आ रहा है सर सब कुछ समझ में आ रहा है लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है नहीं सर तो चलो ओवरऑल अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम डेली कराया जा रहा है कि केवल एक दो दिन कराया जा रहा है डेली कराया जा रहा है अभी आपने काम किया है हाँ सर चलिए तो हम दिखा दें आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्लीनिंग के साथ इन्होंने किया है रिवॉल्विंग भी कर दिया है तो कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे सर बहुत बढ़िया रहा है तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि केवल आप ही बस कर रहे हैं सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट कर रहे हैं आप भी करके इससे पहले आप करते थे ब्लैक पेस्टेड सर कभी भी आईसीबी का ब्लैक पेस्टेड हाथ में नहीं लगाया पहले से कभी काम नहीं किया था नहीं और अभी कैसा लग रहा है सर अभी तो बहुत ईजी लग रहा है ईजी लग रहा है मतलब कोई सा भी अगर आपके सामने ओप्पो भी हो या किसी भी कंपनी का हो जो भी कंपनी का आएगा तो हम काम कर सकते हैं ईजिली कर पाएंगे बहुत ईजी तो कैसा लग रहा है ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके सर ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके मेरा पैसा वसूल हो गया पैसा वसूल हो गया सर बिना बोले ही आपने बता दिया पैसा वसूल हो गया चलिए ठीक है थैंक यू मेरा नाम अजय प्रजापति मैं देवास से हूँ सर अजय बताओ आज हमारी एमएमसी क्लास चल रही है कितने दिन की एमएमसी क्लास हो गई चौथा रोज चल रहा सर
चौथे दिन की क्लास चल रही है हमारी। तो आज हमेशा की तरह जो ब्लैक टेस्ट डेली कराया जा रहा है, केवल आज ही बस कराया जा रहा है? नहीं सर, डेली प्रैक्टिकल डेली चल रहा है। डेली कराया जा रहा है सर? ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है केवल एक बोर्ड में करो दो बोर्ड? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बोर्ड उतने आप जितने कर पाओ। अभी आज आपने किया हुआ है? जी सर किया हुआ। सकते हैं कितनी अच्छी सी क्लीनिंग के साथ इन्होंने किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, कैसा लग रहा ब्लैक पेस्टर का? सर बहुत बढ़िया लग रहा सर। करते थे इससे पहले सर? इसका पहले अभी तक ब्लैक पेस्टर निकाला भी नहीं था सर। नहीं निकाला था? नहीं निकाला। अभी ब्लैक पेस्टर में काम करके कैसा लग रहा? सर बहुत बढ़िया लग रहा सर। एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? सर बहुत बढ़िया। अभी इतना लेवल का नॉलेज हो गया सर, इतना पहले इतनी डीप में जानकारी भी नहीं था सर। अब मतलब मिलन सर ने बहुत कुछ ईजी करवा दिया सर। यहाँ के जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, जो करने का मेथड है, कैसा है? ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा इजी? सर बहुत इजी है सर। इस आधार से चले ना तो सर नॉर्मल लगता है। पहले डायरेक्टली सर विदाउट कोड से करते तो समझ नहीं आता कहाँ से कहाँ लेके जाना, कहाँ से कहाँ करना है सर। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पता चला? जी सर, कोड वाइज करवा रहे सर मिलन सर, तो बहुत इजी है सर। कैसा लग रही क्लास? सर बहुत बढ़िया लग रही है। अभी तक की क्लास कैसा वसूल हो रही है कि नहीं? सर बिल्कुल हो रहे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा नाम आनंद है, मैं सिवनी से हूँ सर। आनंद जी बताइए कि आज आपसे क्या कराया जा रहा है? सर आज ब्लैक पेस्टेड मतलब उससे निकाल रहे हैं आईसी। ब्लैक पेस्टेड, उससे पहले दिन में क्या कला हुई? सर आज ब्लैक पेस्टेड के बारे में पूरी जानकारी मतलब आईसी को एमएमसी क्लास भी हुआ। हाँ, आज हमारा एमएमसी है कि एमएमसी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो उसको कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज प्रैक्टिकल मिला आज आपको? हाँ सर बिल्कुल। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? सर बहुत बढ़िया थी सर। बहुत बढ़िया रही। आज आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया? हाँ सर। दिखाइए, देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या अच्छे से क्लीनिंग किया है। ठीक। तो ये ब्लैक पेस्टेड था कि नॉर्मल बोर्ड है? सर ब्लैक पेस्टेड है। ब्लैक पेस्टेड था? हाँ सर। ये आईसी है उनकी, तो कितनी अच्छे से क्लीनिंग इन्होंने किया हुआ देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड? बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले करते थे आप? नो सर, आज तक नहीं किया। तो पैसे वसूल हो रहे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, पूरा पैसा वसूल हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया थी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? विशाल त्रिपाठी नाम है, सीधी जिले से। विशाल जी बताइए, आज हमारी एमएमसी क्लास चल रही है। एमएमसी में, एमएमसी का अगर कंसेप्ट की बात करूं, अगर एमएमसी में प्रोग्रामिंग की बात करूं, एमएमसी में एक आईसी को आइडेंटिफाई की बात करूं, रिपार्टीशन की बात करूं, तो ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप भी कर पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। कैसे चल रही है एमएमसी क्लास? बहुत जबरदस्त। एमएमसी क्लास अच्छी चल रही है, तो उसके साथ साथ ब्लैक पेस्टेड भी कराया जा रहा है? जी जी। ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो, नॉर्मल हो, हार्ड हो, कोई सा भी पेस्टेड आईसी हो, उसे कर पाएंगे नहीं? जी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आज आपने किया है? जी जी। ऐसा तो नहीं कि केवल एक दो बोर्ड में काम कराया जा रहा है फिर बोल रहे हैं कि अभी नहीं करना है, बाद में करना है? जितने बोर्ड हो, जितने बोर्ड हो उतने कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इन्होंने काम किया हुआ है, इनकी भी क्लीनिंग आप देख सकते हैं। वो पुराने बोर्ड होने के कारण वो साइड के बोर्ड लेयर डैमेज हुए, बाकी वो जो इनकी बॉले हैं और क्लीनिंग देख सकते हैं आप। तो कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड का काम? बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले करते थे आप? नहीं। तो अगर कोई रीवा सीधी या कहीं से भी एमपी से आना चाहे, कहीं से भी आना चाहे, तो ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो जो सोचेगा, वो सोचते हैं कि हम वहाँ पे भी जा करके, अच्छा सारे स्टूडेंट से क्या फेक रिव्यू ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं। आप कितने बोर्ड में अभी तक काम कर चुके? 6-7-8 बोर्ड। कितने पहले बोर्ड डैमेज, बॉल डैमेज हुई थी पहले? शुरू में हुई थी। अब हो रही है क्या? नहीं। तो पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत जबरदस्त है। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम मोहसिन अली है। तो तेज बोलिएगा। मोहसिन अली है, कल्याण से। मोहसिन जी आप हमें बताइए, आज हमारी ब्लैक पेस्टेड की क्लास चल रही है और आपके पास शायद वाइट पेस्टेड है, तो फिर भी वाइट पेस्टेड भी लोग डैमेज कर देते हैं यहाँ पे, और सैमसंग के भी बोर्ड में ज़्यादातर वाइट पेस्टेड ही आता है, तो कैसी रही क्लास, कैसी चल रही है क्लास? क्लास तो बढ़िया चल रही है सर। 3 दिन से मैं ब्लैक पेस्टेड पे ही काम कर रहा था, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड तो हो गया उस पर हाथ साफ, लेकिन आज मैं बोला नया देखता हूँ तो वाइट पेस्टेड। वाइट पेस्टेड आपको वाइट पेस्टेड हार्ड लगा या ब्लैक पेस्टेड हार्ड लगा? ब्लैक पेस्टेड थोड़ा टफ है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है, वाइट पेस्टेड तो एकदम ही हलवा है, तो बस ऐसे ही मक्खन। पर उसमें भी लोग डैमेज कर देते हैं, बोर्ड फुला देते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, आईसी डैमेज कर देते हैं, उसके लिए स्क्रैचिंग कर देते हैं, टेम्परेचर वगैरह का नॉलेज और स्किल जो हैंड स्किल है वो प्रॉपर करना पड़ेगा उसके बाद। इससे पहले आप कभी करते थे क्या ब्लैक पेस्टेड काम? नहीं, मैंने तो आईसी पे काम ही नहीं किया वो पहले कभी। आईसी पे कभी काम ही नहीं किया। अभी कैसा लग रहा है? कोई भी आईसी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आपको बोला जाए मोहसिन जी के लाइव आपसे, चलिए आपको लाइव काम करना है, तो अभी कर पाएंगे लाइव काम? कर सकते हैं बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, चलिए अपना नाम और कहाँ से हैं? अपना नाम? मैं फिरोज हूँ, अररिया बिहार। और तेज बोलिए फिरोज जी, सिखाया नहीं जा रहा है? जी मेरा नाम फिरोज है, मैं अररिया बिहार से हूँ जी। सिखाया जा रहा है 100%। सिखाया जा रहा है जी। तो आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? जी आज हमारी एमएमसी क्लास चल रही है। एमएमसी क्लास चल रही है और उसके साथ साथ हैंड स्किल की भी क्लास चल रही है।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आज आपने काम किया कि नहीं किया? जी किया हूँ। तो ये देख सकते हैं इन्होंने चार बोर्ड में जो कि मेरा इतनी अच्छे से काम किया इन्होंने कि आप देख सकते हैं कोई भी बॉल मिस प्रिंट नहीं है, आईसी भी कितनी अच्छे से क्लीन हुई है। तो कैसा लग रहा है ब्लैक फेस्टर का काम करना? बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले करते थे क्या आप? नहीं कभी नहीं किया। कहाँ सीखे आप? एशिया टेलीकॉम। एशिया टेलीकॉम में सीखे? तो एशिया टेलीकॉम ने जितने आपके बोले थे उतने वादे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे? जी पूरे हो रहे हैं। पैसा वसूल हुआ है? नहीं जी पैसा वसूल। आप कभी भी काम नहीं करते थे ऐसे लेवल पे? जी कभी नहीं। कोई भी बोर्ड होगा, अभी इस वीवो का बोर्ड है शायद, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट है। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं हरिद्वार से हूँ। अब्दुल जी बताइए आप हमें कि हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है, तो अब्दुल जी बताइए हमें कि आज आपकी क्या क्लास चल रही है? आज हमारी चल रही है उसके EMMC पे। EMMC क्या सब्जेक्ट चल रहा है? EMMC में आपको अगर एक EMMC खराब हो जाए तो उसे कैसे उस पर काम करना है वो सारा प्रोसीजर आपको बताया गया है। बिल्कुल। उसको कैसे क्या करना होता है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया। तो वो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत आसान है। मीडियाटेक CPU का जो हमारा चल रहा था कि अगर कोई IC डैमेज हो जाए या खराब हो जाए तो उसे हमें कैसे उस पर काम करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया रही। उसके बाद ब्लैक टेस्टेड पे काम कराया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है बताइए कि जैसे कुछ लोगों को लगता होगा अरे एक दिन ब्लैक टेस्टेड सिखा दिया तो केवल एक दिन पे ही काम हो गया, बाकी डेली आपसे कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा? डेली होता है, डेली क्लास चलती है। डेली बोला जाता है कि अरे आप अब रख दो, अब बाद में जाना, घर में जाके करना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने बोर्ड है उतने बोर्ड पे कराते हैं? नहीं, बोर्ड पे कराते। आज आपने किया? हाँ बिल्कुल, आज मैंने किया। देख सकते हैं इन्होंने कितने इन्होंने भी कितना अच्छे से क्लीनिंग किया हुआ है। ये होती सफाई, ये होता है काम का नॉलेज। और देख सकते हैं इन्होंने कैसा लग रहा है बताइए? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि WTR भी पेस्टेड आती है, पावर IC भी पेस्टेड आती है, तो क्या बड़ी IC के अलावा छोटी IC भी कर सकते हैं? कभी ब्लैक पेस्टेड पे नहीं कभी काम किया, नहीं कभी IC पे काम किया। आज इतना आसान हो गया, इतनी बहुत ही आराम से तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ही साफ सुथरी सेफ तरीके से, बिल्कुल सेफ तरीके, कोई बॉल भी डैमेज नहीं होगा। चलिए कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। स्टूडेंट और अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम सैफ फरीद है। अच्छा, तो चलिए आज हमें बताइए कि आज हमारी कौन सी क्लास चल रही है? सर आज हमारी जो EMMC खराब होती है ना उसे कैसे चेंज करते हैं उसका। EMMC का आपको प्रोसेस बताया गया कि अगर आपकी EMMC डिटेक्ट नहीं हो रही है तो कैसे आपको उसको रिपेयर करना है। तो कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया रही है। अच्छा चलिए, तो अभी आज आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया? हाँ सर ब्लैक पेस्टेड। ये आज ही निकाला? हाँ आज ही निकाला और रिपोर्ट भी कर दिया। ये वाइट पेस्टेड था या ब्लैक पेस्टेड? ब्लैक पेस्टेड था सर। ब्लैक पेस्टेड था? हाँ सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने क्लीनिंग किया, रिवॉल्विंग किया है। तो कैसी लगी ओवरऑल क्लास? सर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात करूँ यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, अगर आपको कोई सा भी ब्लैक प्रेशर दिया जाए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इजी निकाल लूंगा सर। इजीली कर पाएंगे? हाँ सर, तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी। पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए? कब तो हो गए सर। चलिए ठीक है। और कहाँ से आप? अली एक बार छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। अली जी चलिए बताइए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? सर आज IC चेंज स्टोरेज रिपेयर। जी तो रिपेयर, अगर कोई IC डैमेज हो गई है या फिर डिटेक्ट नहीं हो रही है तो उसको कैसे इजीली रिपेयर किया जाता है उसकी क्लास थी आज। जी सर। तो कैसी रही ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर। मिलन सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? सबसे अलग सर, बेहतरीन बेहतरीन ना, एकदम इजी। तो अभी तक जितने भी आपने हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, EMMC हो, कैसा रहा अभी तक? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज आपके ब्लैक पेस्टेड पे काम किया है आपने? जी सर। ये आज किया है कि दो तीन दिन पहले का दिखा रहे हैं? सर आज का। ऐसा तो नहीं दो तीन दिन का? नहीं नहीं सर, आज का। तो डेली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि बोल दिया जा रहा है एक ही दिन कर लो बाकी घर पे जाके कर लेना? नहीं सर डेली डेली हो रहा है। जी सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। पैसे वसूल हो रहे नहीं हो रहे? सर जितना पैसा वसूल हो गया इतना 10 दिन में जाएगा मैं वसूल करूँगा। तो इससे पहले ब्लैक पेस्टेड 2 दिन में ही पैसा वसूल कर लेंगे? यस सर। चलिए तो लाइफ टाइम के लिए है आपका, आप कभी भी आएंगे अपडेट होने के लिए आएंगे तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इससे पहले ब्लैक पेस्टेड पर काम करते थे आप? नहीं सर नहीं करते थे। अभी अभी तो सर लाइव अगर काम कराया जाए तो आप कर लेंगे? एकदम सर। कैसी रही ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर। पैसा वसूल हो रहा है? एकदम सर। चलिए ठीक है। नाम और कहाँ से है? सर मेरा नाम रामधनी है, मैं छत्तीसगढ़ पूरिया जिला बैकुंठपुर से हूँ। ओके छत्तीसगढ़ से हैं आप। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, किस बैच में आप आए थे? सर 28 फरवरी 2019। 28 फरवरी 2019 के ये स्टूडेंट हैं, केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करके इन्होंने गए थे।
तो क्या लगा कि चलो एमएमसी ज्वाइन किया जाए? सर मैं हार्डवेयर तो कर लेता रहा और सॉफ्टवेयर में जहाँ अटकता था एमएमसी का फाल्ट आता रहा वहाँ नहीं कर पाता था सर। नहीं कर पाते थे तो फिर आपने ऐसे टेलीकॉम में वापस क्यों ज्वाइन किया? और भी कई इंस्टीट्यूट मान लीजिए आप पहले अच्छे से नहीं पढ़े होते तो ऐसे टेलीकॉम आपने वापस से फिर क्यों ज्वाइन किया? सर मैं इसलिए ज्वाइन किया कि यहीं सर मैं पढ़ के गया था, मैं सोचा कंप्लीट करूंगा मोबाइल कोर्स का तो यहीं से करूंगा। अच्छा। और कहीं दूसरे जगह से नहीं और कहीं नहीं, मतलब एक कुल मिला के यहाँ पे ट्रस्ट था, यहाँ पे सिखाने का तरीका था, अच्छा तभी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो दिखाइए पहले बोर्ड आप, तो ये देखिए इन्होंने क्या काम किया हुआ है, कितने अच्छे से काम किया है। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल आईसी थी, ब्लैक पिस्टेड का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास? एकदम मस्त सर। मस्त लग रहा है? इससे पहले करते थे? नहीं सर, ब्लैक पिस्टेड में हाथ भी नहीं लगाया था। नहीं लगाया था? नॉर्मल में लगाया। अभी तो सर एकदम मस्त। तो अब आपने फुल कोर्स कर लिया है, अब आपको बैकअप के लिए भी आप कभी भी आ सकते हैं। तो पैसे वसूल हुए नहीं हुए? एकदम सर पैसे पूरा वसूल हो गए हैं अभी से। ठीक है सर जी। तो अपना नाम और कहाँ से है? मेरा नाम जितेंद्र है, राजस्थान से सर। जितेंद्र जी क्या कराया जा रहा है आज, किसकी क्लास चल रही है आज? एमएमसी की थी। एमएमसी क्लास चल रही है? हाँ जी। तो आप पहले से ही कितने सालों से इस फील्ड में हैं? काफी सालों से हैं। तो आप एमएमसी का काम करते थे पहले? नहीं बिल्कुल नहीं। ब्लैक पेस्टेड का काम करते थे पहले? ब्लैक पेस्टेड तो कभी टच ही नहीं किया। टच ही नहीं किया? तो अभी आपने एमएमसी क्लास कैसी चल रही है ओवरऑल? एमएमसी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है सर। अगर कोई भी ऐसी डिटेक्ट नहीं हो रही तो उसको कैसे रिपेयर करना है सब पता चला? करना चेंज कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है। तो अभी आपको बात करो यहाँ पे, तो ओवरऑल की अगर कोई भी ऐसी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो सारा कुछ हम कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं सब कुछ पता चला यहाँ पे। बिल्कुल। तो ओवरऑल हम पहले क्या करते थे, जो छोटी छोटी आईसी होती है उसको फेंक देते थे जी। अभी कितना इंपॉर्टेंट पता चला? नहीं अब तो पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो फिर आपको हैंड स्किल के लिए डेली ब्लैक पेस्टेड पे काम कराया जा रहा है? हां डेली 4-5 मदरबोर्ड डेली सीपीयू। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि अरे यार एक बोर्ड पे कर लो बाकी आप घर पे जाके? पर डे के 4 बोर्ड के सीपीयू एमसी जितने हो आपके पास, ऐसा तो लिमिट नहीं है ना? नहीं, कोई लिमिट नहीं, पर चार में कर। अभी आपने किया हुआ है? हाँ जी। तो देख सकते हैं इनके पास चारों तरफ फैला हुआ है और ये आज आपने काम किया और अभी कर भी रहे हैं ये। तो कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड? बहुत बढ़िया सर एकदम। आने वाले राजस्थान स्टूडेंट से क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए अगर उनको सीखना है तो आ सकते हैं, वैसे लेकिन ज्वाइन कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम के फेसबुक पेज लाइव और हमारी ईएमएमसी की क्लास की डे 4 की क्लास। यस सर। और डे 4 की क्लास में हमने आज ईएमएमसी चेंज सीखे कि ईएमएमसी चेंज किस तरीके से होता है, और हमने आज से विदाउट आरपीएम भी वाला हम सीखे हैं। और ये सारे लोग जानते हैं कि इसमें आरपीएम भी काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा मुझे बताओ कि RPMB किस में जरूरत है किस में नहीं जरूरत है, कौन किस चीज को मालूम है? मालूम है किस में RPMB की जरूरत है किस में RPMB की जरूरत नहीं है? नहीं है। अब मुझे बताओ EMMC चेंज कौन कौन कर पाएगा? यस सर। सब लोग यस सर कंफर्म के साथ यस सर। अच्छा मुझे बताओ EMMC चेंज करना आसान है कि नहीं? आसान है। अच्छा EMMC चेंज करने की कोड क्या है? WCDFW। क्या कोड है? CDFW। अच्छा ये लोग आम लोग सोच समझ पाएंगे क्या? नो सर। आम लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो लोग समझ पाएंगे क्या कोड? नो सर। इस कोड की इस कोड अगर जान ले तो ये कोड से हम क्या कर सकते हैं? EMMC चेंज कर सकते हैं किसी भी फोन की? यस सर। आज आपने कितने सारे फोनों में EMMC चेंज लाइव देखे? बहुत सारे फोन की। अच्छा ये सारे फोन क्या सक्सेसफुली EMMC चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सबको ही? ऐसा तो नहीं कि मैं एक फोन में करवा दिया और छोड़ो देख लिए ऐसा कुछ नहीं? बहुत सारे फोनों में देखे। अच्छा किस किस ने देखे हो? आज सबने देखे EMMC चेंज? आप कर पाओगे कौन कौन? अच्छा तो मैं एक स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा यहाँ पे, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम लखन है, मैं फ्रॉम यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। यूपी से? हमीरपुर से है। बताइए क्लास कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। पेस्टेड आईसी का क्या हाल चाल? पेस्टेड आईसी पहले लग रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब तो बिल्कुल पूरा कर दिया आज। पर EMMC किया और CPU दोनों किया। दोनों विदाउट प्रिंट डैमेज? बिल्कुल एक भी प्रिंट डैमेज ऑन भी किया सर बाद में। अच्छा मैंने। अच्छा मुझे बताइए कि आपने EMMC चेंज आज प्रोग्रामिंग किए? हाँ जी किए।
कितना आसान लग रहा है? बहुत आसान लग रहा है। ईएमएमसी चेंज आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आपकी यूपी हमीरपुर से अगर कोई आना चाहे तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकता है सर। मुझे बताइए यहाँ पे जो हार्डवेयर पढ़ाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की जो हमारे देव सर, हाँ। कैसा नॉलेज है उनका? बहुत डीप नॉलेज से पढ़ाते हैं, एकदम क्लियर एक एक चीज बताते हैं। एक एक चीज, हर एक चीज, हर एक चीज ये समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल पूरा हर एक चीज का प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर, क्योंकि प्रैक्टिकल मिलना बहुत जरूरी है ना। हर एक चीज का प्रैक्टिकल मिलता है? हर एक चीज का प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल मिलने के साथ डाउट भी क्लियर होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। तो आपके यूपी से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहिए? आ सकते हैं, आ सकता है कि आना है? बिल्कुल आना ही चाहिए, आना ही चाहिए ना। बीजेपी का चक्कर है, डबल पैसा भी सुले, डबल पैसा सुले। थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट से बात करूंगा, क्या नाम है आपका? सोहेल, बिहार से। सोहेल बिहार से, सर बताइए क्लास आपकी कौन सी क्लास था? सर चेंज की क्लास था जो चेंज। हाँ सर, तो चेंज अब कर पाएगी कि नहीं कर पाएंगे? मान लीजिए एक फोन है आपका ईएमएमसी बिल्कुल डैमेज है, बस एक कोड से चेंज कर पाएंगे सर? अच्छा, डंप क्या जरूरी है? नो सर। डंप? नो सर। क्या सारे फोनों में डंप की जरूरत है? नो सर। आज तक जो यूट्यूब में देख रहे थे पहले डंप डालना है, डंप डालना है, क्या डंप डालना जरूरी है क्या? बिना डंप के काम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपको भी पूछ रहा हूँ कि विदाउट डंप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिना डंप हम लोग बिना कुछ का भी कर सकते सर, ऐसे अगर ना भी रहे तो भी कर सकते हैं। तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर डंप फाइल अगर नहीं है तो हर एक का डंप फाइल मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो हमें विदाउट डंप भी काम सीखना हो, विदाउट आईसी भी काम सीखना हो जो सीख चुके हैं। हाँ, विदाउट आईसी मतलब आईसी लगा भी नहीं है तो भी आप फोन को चालू किए हैं, है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब बताइए कि डे वन से लेकर अभी तक कैसा नॉलेज है आपका? सर आए तो कुछ नहीं पता था, जीरो था, जीरो नॉलेज में आए थे। अगर यहाँ पे आके अगर 50% भी लेके आते हो तो बहुत है, क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाता है पूरा डीप नॉलेज सिखाया जाता है, और हर एक टीचर का जो नॉलेज है यहाँ शायद ही कहीं इंडिया में है, कुछ अलग ही लेवल से पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर हमें, और हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल। हाँ सर, प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल सब होता है सर, रोज हम लोग आज 3 दिन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए, आपके अगर बिहार से कोई आना चाहिए तो क्या बोलना चाहेंगे? एकदम आए सर, जिसको सीखना है, जिसको टेक्नीशियन बनना है, अगर ओरिजिनल टेक्नीशियन बनना है तो जरूर आए, क्योंकि इससे बढ़िया जगह और ना है कहीं इंडिया में। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपको। मैं नेक्स्ट और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रामधनी सर। रामधनी, आप तो हमारे साथ पुराने स्टूडेंट है, पहले क्या करके गए थे आप? सर पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करके गया था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो कहाँ अटक रहे थे फिर से आके ईएमएमसी ज्वाइन? सर मैं सॉफ्टवेयर में अटक रहा था, और सॉफ्टवेयर में जो नहीं हो पा रहा था वो सर ईएमएमसी। अच्छा, ईएमएमसी की आपकी 4 दिन की क्लास हुआ, ईएमएमसी कैसा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर पहले तो यूएफआई का नाम ही जानते रहे, अब यूएफआई एकदम नॉर्मल सर यूएमटी टाइप से हो गया है। यूएमटी टाइप का हो गया सर। यूएफआई चलाना इतना मुश्किल है क्या? नो सर, अगर नॉलेज है तो? नॉलेज है तो सर एकदम यूएमटी टाइप से चला सकते हैं, जो कि हर दुकानदार चलाता है। चलिए, और मैं बात करूंगा पेस्टेड आईसी का क्या सीन है सर? पहले तो ब्लैक पेस्टेड में मैं हाथ तक नहीं लगाता था, देख करके ना उसको वापस रिटर्न कर देता था, क्योंकि कस्टमर का जो भी मतलब उसमें दूसरे टेक्नीशियन के पास भेज देता था कि काम कर ले। अब ना सर एकदम सर नॉर्मल टाइप से हो गया। अब क्या दूसरे टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे आप? नहीं सर, मैं तो नहीं दूंगा सर। आप तो नहीं देंगे, बल्कि दूसरे टेक्नीशियन का मैं खुद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे टेक्नीशियन का खुद करना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप सबके लिए एक सवाल है, अगर एशिया टेलीकॉम आपके लिए एक चीज प्रोवाइड करवाता है वो क्या है? बैकअप। वो भी कितने दिन का? लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट करवाते हैं। लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट इसीलिए करवाते हैं हम लोग, क्योंकि सारा चीज हो सकता है एक बार में मिस हो जाए, कोई एक चीज मिस हो जाए, इसलिए हम या तो ये भी हो सकता है कि नया नया अपडेट होता है, चीज धीरे धीरे अपडेट होता है, तो उस अपडेट सर्किट को देने के लिए या तो फिर आपको कुछ चीज मिस हो जाने के लिए उस लिए बैकअप सपोर्ट। अच्छा, बैकअप सपोर्ट जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपको। और आप कहाँ से बोले? छत्तीसगढ़ कोरिया जिला से। छत्तीसगढ़ से कोई आना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? सर वो बेझिझक होके आ जाए, क्योंकि जीरो से हीरो बनना है तो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच आपको। चलिए, मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? विशाल त्रिपाठी नाम है, मैं एमपी सिद्धि जिले से हूँ। विशाल त्रिपाठी, एमपी सिद्धि जिले से। बताइए क्या आपका क्लास क्या चल रहा है आज?
एमएमसी और ब्लैक पेस्टेड। एमएमसी ब्लैक पेस्टेड, एमएमसी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। एमएमसी चेंज कर पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब एमएमसी चेंज करना कितना हुआ आसान? बहुत आसान। पहले कोड क्या था आज का? कोड CDFTW। CDFTW, CDFTW का मतलब माना है जी, हर एक चीज का डेफिनेशन आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर मैं आपको एक फोन दे दूं और उसमें एमएमसी चेंज करना है तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर जी पाएंगे? जी बिल्कुल कर। वेस्टेड आईसी खोलना कितना आसान हुआ? पहले तो नहीं था पर बहुत आसान है। बहुत आसान है। और आपके एरिया से कोई आना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? आना चाहिए जिसको इस फील्ड में काम करना है जीरो से लास्ट तक, तो बिल्कुल आना चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच आपको और सबको थैंक यू, गुड नाइट। क्लैप मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली सिटी